आप लोग को बहुत दिनों के बाद वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो हमारे साथ बन रहे हैं और इस वीडियो में खूबसूरत चीज़ों को दिखाया जाएगा। तो कुछ चना दिखा रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत चना की खेती यहाँ पर हो रही है किसानों के द्वारा इंडिया में। हालांकि मैं बिहार स्टेट में ट्रेवलिंग कर रहा हूँ इस समय। तो फ्रेंड, ये है चना, आप लोग देख सकते हैं चना की ये पौधे हैं। मैं आप लोग को मटर दिखा रहा हूँ। मटर तो फ्रेंड फ्रेंड ये है मटर की खेती, काफ़ी खूबसूरत मटर है, इसमें मटर लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं मटर। ये तो फ्रेंड ये है मटर की खेती। मैं एक वीडियो और बनाया था, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और ये भी काफ़ी अच्छी वीडियो रहेगी आप लोग के लिए। फल ले लिया है, आप लोग देख सकते हैं अभी हरे हैं सब, ये सूखेंगे तो इसमें से सरसों निकलेंगे दाने छोटे छोटे, उसको मशीनों में पिरवाया जाता है, उससे मस्टर्ड ऑयल निकलते हैं। और मसूर की खेती आप लोग को दिखाते हैं। ये फ्रेंड मसूर की खेती है, आप लोग को एक और खूबसूरत चीज़ को दिखाना चाहता हूँ। आप लोग सनसेट देख सकते हैं यहाँ का, कैसा सनसेट है अभी, हालांकि बहुत काफ़ी ऊपर है। फर्स्ट टाइम इस वीडियो में गॉगल यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग बताएं हमारे ऊपर कैसा लग रहा है ये चश्मा। तो इस वीडियो में जो फसल दिखाया हूँ, आप लोग समझ सकते हैं इस एरिया में काफ़ी उसकी उपज है। और एक और फसल ऐड करना चाहता हूँ जो काफ़ी यूजफुल है, तीसी है। तीसी की ये जो है फसल तीसी है, इसको इस एरिया में काफ़ी कम किसान यूज कर रहे हैं, केवल डाढ़ों पर या मेढ़ जो बोल सकते हैं आप लोग, मेढ़ पर ही इसको बोया जा रहा है इस एरिया में। तो तीसी काफ़ी अच्छी फसल मानी जाती है इंडिया में। और फ्रेंड आप लोग को गेहूं दिखा रहे हैं, गेहूं की जो फसल कैसी है। हालांकि गेहूं काफ़ी बड़े हो चुके हैं, अभी सभी जो पेड़ यहाँ के हैं उसमें फल नहीं आए हैं, और ये काग हैं जो जिसमें फल आ चुका है, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। ये देहात का ये फायदा है कि आप खूबसूरत इन्वायरमेंट में सर्वाइवल करेंगे और धूल या डस्ट से बचे रहेंगे।